किसका राज आ रहा है? बालेश्वर बाबा का। जय हनुमान, जय श्री राम, खत्म। अब उनका कहानी खत्म। बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो, जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है उसकी माँ बहन है उसमें भूत पिशाच के साथ। आपकी माँ बहन और बेटी, आपके जात बिरादरी के लोग, भूत भरता वहाँ, कपड़ा खुल जाता वहाँ। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राज मोहन तिवारी। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आने वाले हैं। पटना के नौबतपुर में उनका दरबार लगने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बिहार में वो राजनीतिक बयानबाजी का बड़ा मुद्दा बन गए हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने उनको रोकने के लिए अपनी सेना तैयार कर ली है। राजद के बड़े बड़े नेता उनके विरोध में खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन बात अब इतना ही नहीं रुक रहा है। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, मर्यादाओं को भी लांग दिया गया है। राजद से मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, गया के फतेहपुर प्रखंड में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, और कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान बागेश्वर धाम का विरोध करने के लिए उन्होंने सारी मर्यादाएं ही लांग दी, महिलाओं पर विवादित बयान दिया। और क्या कुछ उन्होंने कहा हम आपको पहले वो सुनाते हैं। अब किसका राज आ रहा है? बालेश्वर बाबा का। बालेश्वर ने बागेश्वर। जय हनुमान, जय श्री राम, खत्म। अब उनका कहानी खत्म। जय हनुमान जी के आ गया, रामचंद्र जी स्थापित हो गए अयोध्या जी में, अब हनुमान जी बच गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे अभिभावक हैं, वो भी हनुमान जी की घड़ी चर्चा कर रहे हैं, हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं। गए थे चुनाव में, हनुमान जी के बहुत चर्चा किए, अब हनुमान जी के नाम पर वोट मार रहे हैं। बालेश्वर बाबा आ गए, अब बालेश्वर बाबा आके अब चलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कितना घिनौना काम है, शर्म करो और डूब मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो, अभी तक टीवी में दिखाया कहा बालेश्वर को, उसमें माँ बहन थी। जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है उसकी माँ बहन है उसमें भूत पिशाच के साथ। आपकी माँ बहन और बेटी, आपके जात बिरादरी के लोग, भूत भरता वहां, कपड़ा खुल जाता वहां, देखिए टीवी में क्या दिखलाता है। इसलिए शर्म की बात है जो उसका जाता है प्रोग्राम देखने और सुनने और समझने। क्या बोला भाजपा वाले लोग, आज अखबार में आया है, जिसकी हिम्मत है रोक के दिखला दे, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, आज बोला अखबार में। तो तेजस्वी यादव के मंत्री सुरेंद्र यादव को अभी आप सुन रहे थे, गया के फतेहपुर प्रखंड में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, वहीं पर उनका संबोधन चल रहा था। और बागेश्वर धाम का विरोध करने के नाम पर किस प्रकार से सारी मर्यादाओं को वो लांग गए, किस प्रकार से महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है, बागेश्वर धाम को लेकर विवादित बयान दिया है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में क्या होता है वो उन्होंने बताया है, और कहा है कि देखिए महिलाओं के साथ किस प्रकार का सलूक और व्यवहार वहाँ पर होता है, कैसे कैसे वहाँ पर काम किए जाते हैं, भूत भगाया जाता है, और भूत भगाने के नाम पर वहाँ पर महिलाओं के साथ गंदी हरकतें होती हैं। ये बात सुरेंद्र यादव कह रहे हैं, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने के लिए वो इस प्रकार के बयान दे गए, जो अभी सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो गया है, और कई तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सुरेंद्र यादव के विरोध में ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप सुरेंद्र यादव के बयान को कैसे देखते हैं, क्या उन्होंने सही कहा है, ये गलत कहा, क्या विरोध
करने के नाम पर इस प्रकार के विवादित बयान देने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।